सुपरस्टार जूनियर एनटीआर के कैरियर की सबसे खतरनाक मूवी, जिसके अंदर कुछ ऐसे यूनिक सीन हमें देखने को मिलने वाले हैं जो कि आपने इससे पहले कभी किसी इंडियन मूवी के अंदर नहीं देखा होगा। और इस मूवी का नाम है देवरा, जिसको लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। लेकिन इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आज के दिन साउथ की एक नई मूवी हिंदी डब में यूट्यूब पर रिलीज हो चुकी है, जिसको आप अभी अपने मोबाइल में देख सकते हो। तो सारी जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक जरूर देखना। तो दोस्तों, देवरा जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है, और अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो इस मूवी की कहानी आधारित होगी एक स्टूडेंट लीडर पर, जिसके साथ एक दिन एक ऐसी घटना घटती है जिसके बाद वो कसम खा लेता है कि जब तक वो फॉरेस्ट माफियाओं को खत्म नहीं कर देगा, वो चैन की जिंदगी नहीं जिएगा। तो देवरा मूवी के अंदर जहाँ फॉरेस्ट में हमें जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलेंगे, वहीं पानी के अंदर भी एक नदी के अंदर जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलेंगे, जहां पर सुपरस्टार जूनियर एनटीआर एक शार्क से लड़ते हुए भी दिखाई देंगे। और अगर बात करें इस मूवी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट की और रिलीज डेट की, तो उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि सुपरस्टार जूनियर एनटीआर और सुपरस्टार रामचरण में से आपका फेवरेट हीरो कौन है, आप किसकी मूवी ज्यादा देखना पसंद करते हो, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर बात करें इस मूवी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट की, तो मैं आपको बता दूं कि हाल ही में सुपरस्टार सैफ अली खान, जो कि इस मूवी के अंदर विलन का किरदार निभा रहे हैं, उनका फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया गया है, और वो इस मूवी के अंदर भैरा नाम के फॉरेस्ट माफिया का किरदार निभा रहे हैं। तो अगर बात करें इस मूवी की रिलीज डेट की, तो ये मूवी आपको 5 अप्रैल को सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगी साल 2024 में। और अगर बात करें दूसरी साउथ मूवी की, जो की आज के दिन हिंदी डब में यूट्यूब पर रिलीज हो चुकी है, तो सुपरस्टार विजय एंटनी की एक्शन ड्रामा मूवी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी, अगर आपने इस मूवी को अभी तक हिंदी डब में नहीं देखा है, तो ये मूवी आरकेडी स्टूडियोज यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हो चुकी है। वहां पर जाकर अभी आप इस मूवी को हिंदी डब में यूट्यूब पर देख सकते हो।